हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने स्वीकार भी कर लिया था जैसे मैंने वो इलायची का ऐड किया था, तो वो मुझसे गलती हुई थी और मैंने स्वीकार भी करके उसी उसी रात को मैंने मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बराबर चैन नहीं था, एंड आई स्पोक अबाउट इट एंड आई रोट व्हाट आई हैड टू राइट, आई गिव द क्लैरिफिकेशन, हाँ मेरी गलती थी। नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार की इमेज एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एक ऐसे कलाकार के रूप में है जो लेट नाइट पार्टीज अवॉइड करते हैं, ही कीप्स अवे फ्रॉम एल्कोहल एंड स्मोकिंग, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। लगभग 5 साल पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करूँगा जो सेहत के लिए हानिकारक हो, लेकिन 16 अप्रैल 2022 को विमल इलायची की एड में शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार को देखकर उनके फैंस बहुत निराश हुए। हालांकि विज्ञापन में विमल इलायची का नाम है बट इट इज़ अ सरोगेट एड। अपने फैंस के गुस्से को समझते हुए 5 दिन के बाद 21 अप्रैल को अक्षय कुमार ने अपने फैंस से माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में वह कभी भी इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं करेंगे और इस एड से जो भी उनको राशि मिली है वह उसे चैरिटी में दान कर देंगे। लेकिन 2 दिन पहले फिर से विमल के एक नए ऐड में जब उन्हें देखा गया तो वह फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हर बार का ये ड्रामा। एंड ही केम अप विद एक्सप्लेनेशन कि यह विज्ञापन भी 13 अक्टूबर 2021 को ही शूट किया गया था, जिसे 2 दिन पहले ऑन एयर किया गया है और उनके द्वारा किया गया एग्रीमेंट अगले महीने समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद यह विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे।